दोस्तों, क्या पावर पॉइंट में एनिमेशन बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं पावर पॉइंट में एनिमेशन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर पॉइंट में हम एनिमेशन किस प्रकार क्रिएट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि हम एक चलती हुई कार रोड के ऊपर दौड़ती हुई किस प्रकार बनाए, एक एनिमेटेड कार कैसे बनाएंगे पावर पॉइंट के अंतर्गत, और फिर उसको हम वीडियो में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, आपको बड़ा सा अच्छा सा सीन नज़र आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे माउस का एक क्लिक करूँगा या फिर अपने कीबोर्ड से स्पेस यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास एक कार देखो यहाँ पे दौड़ने लगेगी। दौड़ रही ना, फर्राटेदार वहाँ पे जा रही है और ये बार बार आ रही है। तो मैं आपको बताऊँगा कि बार बार कैसे आए या फिर एक बार चलाना चाहे तो वो किस प्रकार चलेगी कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू से हम इसको लेके चलते हैं। आपको मेरे पास ये स्लाइड है जो मैंने अभी बनाई, जो आपको दिखाई थी वो इस प्रकार की दिख रही है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। तो हम शुरू से चलते हैं, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो आपके पास लगभग इस तरह का व्यू ओपन होगा। मेरे पास ये ऑफिस 2019 है, अगर आप 2007 में भी चलाना चाहेंगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि ये जो एनिमेशन बता रहा हूँ मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। वैसे 2019 में हम 3D एनिमेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन भी होता है, 2007 में वो नहीं होता। तो जब आप 2016 या 2019 यूज करने लगेंगे तो 3D कार्टून एनिमेशन भी आराम से बना पाएंगे, वो भी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो पहले मैं 2D सिखाता हूँ। तो जो ये जो एक स्लाइड जो हमारे पास नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं स्लाइड का लेआउट। तो हमको ये लेआउट नहीं चाहिए, हमको प्लेन लेआउट चाहिए। मैंने एक बार बिगिनर्स के लिए डाला था वीडियो जिसमें मैंने पावर पॉइंट चलाना सिखाया था कि हम लेआउट कहाँ से चेंज करेंगे। होम टैब के अंदर जो आपको लेआउट का बटन दिख रहा है, यहाँ से हम लेआउट जैसा मर्जी लेना चाहें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लेआउट चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्लैंक लेआउट, ठीक है, ब्लैंक लेआउट आपने ले लेना है। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाके वहाँ पे कोई भी एक शेप इंसर्ट कर लेनी है। मैं शेप में ले लेता हूँ यहाँ से एक रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा मैं लगभग इतने में, ये हो जाएगा हमारा आसमान। इस रेक्टेंगल को अगर आप इन्फिनिटी चलाना चाहते हैं, बार 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 चलता रहे आता रहे, तो इसको थोड़ा सा जूम कम करके और इसको पूरा बढ़ा दीजिए। अगर आप इसको राइट में चलाना चाहते हैं तो इस साइड में बढ़ा दीजिए, राइट साइड में। अगर लेफ्ट में चलाना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में बढ़ा दीजिए। तो मैं इसको कंप्लीट आगे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर मैं बढ़ा लूँगा, एक शेप हमारी होगी। इस शेप का अगर आप थोड़ा सा कलरफुल इसको चेंज करना चाहें, डिजाइनिंग जैसे आसमान नज़र आए, तो यहाँ पर देखो फिल है, शेप फिल, यहाँ से हम ले लेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर ये तो लाइट्स आ गए, लाइट कलर लेना है हमने, किस प्रकार का लाइट कलर चाहिए वो लाइट कलर उठा लेंगे, आसमान सा नज़र आ रहा है ना। अब एक शेप और क्रिएट करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से मैं शेप लूँगा और लाइन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे फ्री फ्रॉम वाली ये, और यहाँ पे मैं एक हिल का डिज़ाइन दूंगा, जैसे पहाड़ी होती है ऐसे एक कोई भी पहाड़ी सी क्रिएट कर लें आप, ठीक है, हो गई पहाड़ी। और यूँ नीचे से यूँ पूरा लेकर के इसको जहाँ से शुरू किया था हमने वहाँ पे मिला देंगे। अब इस पहाड़ी का कलर ये रख सकते हैं, कोई और कलर देना चाहें आप पहाड़ का वो कलर ले सकते हैं। एग्जांपल मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। इस कलर के अंदर इसको भी हम इफ़ेक्ट देना चाहें तो इसको भी ग्रेडियंट में, लाइट लेना चाहें लाइट ले सकते हैं, या डार्क लेना चाहें डार्क ले सकते हैं, डार्क नीचे डार्क भी है, ठीक है। मैं लाइट ले लेता हूँ, ये भी हमारी पहाड़ियाँ हो गई। अब हमने लेना है रोड, तो रोड के लिए इसको भी पहले थोड़ा सा उसके बराबर ही बढ़ा लें इधर, क्योंकि इसको भी हमने इन्फिनिटी करना है, इसको भी पूरा इसके बराबर ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है, हो गया, ओके। अब एक और शेप ले ले लेंगे, यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल उठा लेता हूँ मैं, और इस बार हमने बनानी है सड़क, और ये बन गई हमारी सड़क, हो गई। और भी इसको लास्ट तक, इसको भी इसके बराबर ही खींच दूंगा मैं, हो गई, फिट है सड़क। अब इसका कलर ब्लैक होता है, हमने ब्लैक ले लिया। फिर से एक शेप लेंगे, सड़क के बीच में लाइनें दिखानी है ना, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ लाइन, और लाइन बनाऊँगा एकदम सड़क के बीचों बीच। इस लाइन को और आगे तक इसको भी खींच दूंगा मैं,
अब इस लाइन का साइज, ये रोड लाइन थोड़ी सी डॉटेड होती है ना, पार्टीशन बनाने होते हैं रोड के, तो हम क्या करेंगे, लाइन शेप के अंदर पहले तो लाइन की शेप थोड़ी सी मोटी लाइन ले लें, लाइन का कलर वाइट ले लें, है ना, वाइट लाइनें होती हैं, येलो लेना चाहिए येलो भी ले सकते हैं, येलो लाइनें भी होती हैं, और लाइन का जो ड्रेसेस है वो हम ये वाला ले लेंगे। लाइनें बन गई, नीचे का बच गया, यहाँ पे थोड़ी सी घास वगैरह, थोड़ा सा ग्रीनपन दिखाना हमने फुटपाथ पे, तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ भी एक शेप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल दूंगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ देखो कि डिज़ाइन टैब के अंदर आपको मिलेगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर टास्क पेन के अंदर से यहाँ से हम ले लेते हैं इसका कलर ग्रीन। ग्रीन बैकग्राउंड हो गई कंप्लीट। अब हमको चाहिए एक गाड़ी, एक कार। दोस्तों अगर आपके पास ऑफिस 2016 या 2019 है तो आपको यहाँ पे इंसर्ट में ही बहुत सारी फोटो मिल जाएंगी ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर, ठीक है, या फिर 2007 है तो क्लिप आर्ट के अंदर भी गाड़ियाँ मिल सकती हैं। अगर वहाँ से भी नहीं लेना चाहते हैं तो इंटरनेट ब्राउजर ओपन कीजिए और वहाँ से सर्च कर लीजिए गाड़ियाँ, कार, कोई भी एक पीएनजी फाइल। पीएनजी फाइल क्या होती है, जिसकी बैकग्राउंड नहीं होती। जैसे हम यहाँ पे, मैं ऑनलाइन यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, अभी नेट बंद है मेरा, मैं नेट ऑन कर लेता हूँ, नेट चल गया मेरा, मैं ऑनलाइन पिक्चर सर्च करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स है हमारे पास। ये 3D भी है मेरे भाई, ये 3D दिखाएगा यहाँ पे, जैसे कार्स का यहाँ नज़र आ रहा है, मैं कार पे सेलेक्ट करूँगा तो बहुत सारी कारें यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि पीएनजी फाइल कौन सी है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर यहाँ सर्च बॉक्स में डाल लेता हूँ कार पीएनजी और सर्च करूंगा तो जितनी भी गाड़ियां ओपन हुई है सब पीएनजी फाइल्स हैं। ठीक है, हमने लेफ्ट चलानी है, राइट चलानी है, कोई भी एक कार उठा सकते हैं वहां पे, उसको बाद में हम रोटेट भी कर लेंगे, लेफ्ट या राइट में इंसर्ट कर लेता हूं इसी गाड़ी को। ठीक है, ये हमारी गाड़ी आ गई, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, साइज कम करके लगाएंगे, इतनी बड़ी गाड़ी तो ये तो ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो जाएगी। नीचे ये जो भी इस का एलिमेंट आ गया इसको हटा देंगे, ये गाड़ी का साइज कर लिया मैंने ये इतना, और जहाँ भी रखनी है आपने, लेफ्ट साइड चलानी है, राइट साइड चलानी है, इसको रोटेट करके चला सकते हैं। ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक हमारी स्लाइड है, हम स्लाइड के अंदर रखना चाहें गाड़ी को या बाहर रखना चाहें, जैसे मर्जी रख सकते हैं। अब हमने लगानी इन पे एनिमेशंस। सबसे पहला इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे, क्या करना होगा, हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ऐड एनिमेशन, जो आपको मिलेगा एनिमेशन टैब के अंदर। ऐड एनिमेशन पे गए, वहाँ से आप चुन ले मोर मोशन पाथ्स। ठीक है, मोर मोशन पाथ्स के अंदर हम इसको दे देंगे डायरेक्शन लेफ्ट का, ताकि ये लेफ्ट में चले, और ओके, तो ये हमारा जो आसमान है वो लेफ्ट में दौड़ेगा। अब हमने थोड़ी सी एडिटिंग और करनी है, लेफ्ट में तो चलेगा लेकिन कितनी देर में, कितने तेज चले, कितना धीरे, ड्यूरेशन इसकी हम कर देंगे 10 की। मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ इसकी ड्यूरेशन, कर देता हूँ 10। ओके, अब एक चीज़ और करनी हमने, इसकी जो यहाँ पे देख रहे हैं एनिमेशन पेन, यहाँ से इसको क्लिक करके और यहाँ पे हम चले जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन के अंदर, और इसका इफेक्ट कर देंगे बिल्कुल स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड कर देंगे, बिल्कुल 0-0 कर देंगे और ओके कर देंगे। अब एज इट इज़ एनिमेशन हमने दूसरी वाली जो इमेज बनाई थी, हमने सेव बनाई थी, उस पर लगानी है, तो क्या करें, इसको हमने सेलेक्ट किया और आपको मिलेगा यहाँ पे एनिमेशन पेंटर, इस पर क्लिक किया और दूसरी वाली सेप पे क्लिक कर दिया, तो सेम हमारी एनिमेशन दूसरी वाली सेप पे लग जाएगी, दोनों चल रही है। अब तीसरा देखो, यहाँ पे रोड के हमारे दो पार्टीशन है, एक ये और एक लाइन, तो कंट्रोल के साथ दोनों को क्लिक करेंगे, पहले रोड पर क्लिक किया फिर कंट्रोल के साथ इस लाइन पे क्लिक करेंगे, दोनों हमारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, और इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करके, इस पर हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको मिलेगा ग्रुप। ठीक है, और इसको ग्रुप बना देंगे। ग्रुप क्यों बनाया, ताकि हम दोनों के ऊपर एक साथ एनिमेशन अप्लाई कर सकें। फिर से हम किसी भी एक शेप पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पेंटर पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा वो इस पे भी पेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बस गई हमारी गाड़ी, अब गाड़ी को सेलेक्ट कर लेना है, हमारी गाड़ी यहाँ पे है ये रही। ठीक है,
गाड़ी को चलाना है राइट में, तो फिर ऐड एनिमेशन, मोर एनिमेशन पाथ, और इसको चलाना हमने राइट में, तो इस पे कर लेंगे राइट सिलेक्ट और ओके। इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, हम इसको पकड़ेंगे और इस गाड़ी को हमने इस एनिमेशन को क्रॉस करवाना है, तो इसके बिल्कुल क्रॉस तक बाहर छोड़ देंगे इसको, बाहर गई गाड़ी हमारी, ठीक है। अब जो इसकी हमारी जो टाइमिंग है वो सेट करते हैं हम, यहाँ से जाएंगे इफेक्ट के अंदर, तो इसको हम वही बिल्कुल स्लो मोशन पाथ कर लेंगे, ठीक है, और इसका टाइमिंग हम कर देंगे 5 सेकंड, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी तेज चलती हुई नजर आए। ओके, तो ये हमारी गाड़ी चल रही है, ये भी ठीक चल गया। अब जब हम इसको चलाएं तो ये बारी बारी से न चल के सब एक साथ मूव करें, हम इस पे आएंगे, क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे स्टार्ट विद प्रीवियस, यानी कि पहले वाले के साथ स्टार्ट हो। फिर से इस दूसरी वाली पे आएंगे, इसको कर देंगे स्टार्ट विद प्रीवियस, ये भी उससे पहले वाले के साथ स्टार्ट हो, और इस पे आएंगे, इसको भी कर देंगे स्टार्ट विद प्रीवियस, और ये भी पहले वाले के स्टार्ट। लेकिन अब क्या होगा, अब हम क्लिक करेंगे तो ये चलेगी और रुक जाएगी, एक बार देखें इसको प्ले करके। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट पे देखो, सीधा आपको प्रीव्यू नजर आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका प्रीव्यू दिखाई देगा कि इस प्रकार की हमारी एनिमेशंस नजर आएगी, ठीक है। और स्टॉप, जहाँ तक ये स्लाइड होगी वहाँ तक ये खत्म हो जाएगा। अब ये कि हमारी बार बार चलती रहे गाड़ी, यहाँ से आए फिर चले जाए, फिर आए फिर चले जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सभी स्लाइड्स पे एक और सेटिंग करनी पड़ेगी। हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, टाइमिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे जो दिख रहा है इसका रिपीट जो नन है, इसको हम इन्फिनिटी कर देंगे, यानी कि अनटिल एंड द स्लाइड। सेम दूसरी वाली पे भी हम यही अप्लाई करेंगे, इसको भी हम अनटिल कर देते हैं, इसकी टाइमिंग लेंगे और इसको भी हम कर देंगे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड्स, ओके। ऐसे ही तीसरी वाली स्लाइड को भी हम टाइमिंग के अंदर ऐसे बारी बारी से सभी को हम एंड तक कर देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, एक रहेगी तो हमारी रुक जाएगी, है ना, तो सारी हमारी एंड तक ही चलनी चाहिए। एक बज गई, इसको भी मैं एंड तक कर लेता हूँ टाइमिंग, और इसको भी मैं एंड तक कर देता हूँ एंड, और ओके, हमारा एनिमेशन बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। प्ले करने के लिए आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से F5 यूज़ करें, या फिर स्लाइड शो में जाकर यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग ये क्लिक करें, तो हमारी जो स्लाइड है वो फुल स्क्रीन नज़र आने लगेगी। अब इस स्क्रीन पे आप माउस का क्लिक करें या एक बार स्पेस यूज़ कर देंगे तो हमारी गाड़ी शरपट दौड़ने लगेगी, हमारी एनिमेशन चलने लगेगी। हमने टाइमिंग अनलिमिटेड कर दिया तो ये अनलिमिटेड चलती रहेगी, बार बार इधर जाएगी और इधर से फिर से आएगी। अच्छा लगा दोस्तों, आसान था। अब बताता हूँ मैं इसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहें तो इस पर कोई साउंड भी लगा सकते हैं अपना, ताकि म्यूजिक के साथ ये चलती रहे। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे फाइल को सेव करने की बजाय हमने उस फाइल को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, PDF फाइल बनानी है, क्रिएट वीडियो, या फिर कोई पैकेज प्रेजेंटेशन CD बनानी है, हमने उसका वीडियो बनाना है, क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर लेंगे, और क्रिएट ए वीडियो फुल SD, हम यहाँ से उसके पिक्सल्स भी चुन सकते हैं, 1080 पिक्सल में बनानी है, 720 में, या स्टैंडर्ड 480 में, फुल SD हम 1080 में बनाएंगे और क्रिएट वीडियो कर देंगे। तो ये पूछेगा उसकी टाइमिंग के लिए, सॉरी टाइमिंग हमने वहीं पे भरनी थी, हम एक बार इसको स्टॉप कर लेंगे, मैं इसको एक बार कैंसिल कर देता हूँ। टाइमिंग कितनी देर का वीडियो बनाना है वो आपको बताता हूँ। जैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे क्रिएट वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर देखो टाइमिंग भी दिखा रहा है कितनी देर का वीडियो हमने बनाना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, या फिर 1 मिनट का, वो यहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे, और क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे, और किस नाम से वीडियो हमने बनाना है वो नाम हम यहाँ पे फिल करा, MPG4 वीडियो बनेगा और सेव। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे नीचे क्रिएट वीडियो प्रेजेंटेशन, यहाँ पे हमारी वीडियो फाइल क्रिएट होनी स्टार्ट हो चुकी है, और ये चंद सेकंडों में यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। हमको अलग से वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत है।
आशा है दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।